22 जुलाई 1968 दूसरे पेज के अंत में बात चल रही थी तुम बच्चों को बाप ने आस्तिक भी बनाया है पहले नास्तिक थे कोई पर आस्था नहीं थी अगर कोई कहते हैं कि हमें भगवान पर आस्था थी तो भगवान को तो कोई जानते ही नहीं तो फिर आस्था की बात ही खत्म हो जाती है अभी भगवान बाप ने आकर के तुमको अपना परिचय दिया है अपना भी परिचय दिया है और रचना का भी परिचय दिया है सारी सत्य के आदि मध्य अंत का परिचय दिया है तो अभी तुम पक्के आस्तिक हो ये भी बताया है इन लक्ष्मी नारायण में यह ज्ञान नहीं है इन लक्ष्मी नारायण में सतयुग वाले सतयुग के लक्ष्मी नारायण में यह ईश्वर का दिया हुआ ज्ञान नहीं है क्योंकि वो ईश्वर से जन्म नहीं लेते हैं वो तो विश्व के मालिक से जन्म लेते हैं और सतयुग के मालिक बनते 22 जुलाई 68 वाणी का तीसरा पेज वहां सतयुग में तो आस्तिक नास्तिक का कोई को पता ही नहीं रहता इस समय बाप ही आकर के आस्तिक और नास्तिक का हाथ बैठ समझाते कहते हैं नास्तिक उनको कहा जाता है जो न बाप को न रचना के आदि मध्यंत को और न उसके ड्यूरेशन को जानती है उनको नास्तिक कहा जाता है इस समय संगम युग में सिर्फ तुम नास्तिक बनते हो वहां सतयुग में तो ये बातें होती ही नहीं है कि कौन आस्तिक है कौन नास्तिक है तो ये खेल है इस खेल में जो बात इस एक सेकंड में होती है वो बात दूसरे सेकंड में नहीं हो सकती ड्रामा में ये टिक टिक होती रहती है जो भी पास्ट हुआ चक्र फिर ताजा बिगड़ जैसे बायोस्कोप होता है 2 घंटे के बाद बायोस्कोप चलेगा फिर हूबहू रिपीट होगा मकान आदि तोड़ डालते हैं फिर देखते हैं कि बना हुआ है तो हूबहू रिपीट होता है इसमें मुझने की बात नहीं है मुख्य बात आत्माओं की और परमात्मा की है कहते भी है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल अलग रहते हैं तो यहां पार्ट बजाने के लिए आते हैं
और तुमको पूरे 5000 वर्ष अलग रहते हो। तुम मीठे मीठे बच्चों का ऑलराउंड पार्ट है, इसलिए पहले पहले तुमको ही समझाते हैं और ज्ञान लेने के भी तुम ही अधिकारी हो। पिछाड़ी में तुम बच्चे अच्छी रीति समझेंगे, सबसे जास्ती भक्ति किसने की है वो भी पता पड़ जाएगा। जिसने सबसे जास्ती भक्ति की होगी वो सबसे ज्ञान में तीखे जाएंगे। जिन्होंने सतो प्रधान भक्ति की होगी वो सतो प्रधान अभी विचारी ज्ञान उठावेंगे। फिर पद भी वो ऊंचे पावेंगे। पहले पहले एक शिव बाबा की ही भक्ति होती है, शिव की भक्ति नहीं कहेंगे। क्यों? शिव तो बिंदु का नाम है, मेरी आत्मा का ही नाम शिव है। बिंदु आत्मा को याद कर सकते हैं। भक्ति में तो बड़ा रूप चाहिए, महिमा भी तब होती है जब कोई शरीर में प्रवेश करते हैं, बड़ा रूप धारण करते हैं। तो पहले पहले शिव बाबा की भक्ति, फिर देवताओं की भक्ति, फिर पांच तत्वों की भी भक्ति करते हैं। कितने व्यभिचारी बन जाते हैं। अभी बेहद का बाप तुमको बेहद में ले जाते हैं। और वह गुरु लोग फिर तुमको बेहद की भक्ति के अज्ञान में ले जाते हैं। अभी संघ युग में बाप तुम बच्चों को समझाते हैं, अपन को आत्मा समझ बाप को याद करते रहो। फिर भी माया घड़ी घड़ी बुलाए देती है, बाहर जाने से भूल जाते हैं। चलिए भूल जाते हैं है? बाप के सामने आते हैं तो याद रहता है, बाहर की दुनिया के संग में जाते हैं तो संग का रंग लग जाता है, भूल जाते हैं। जैसे कोई गर्भ में कितनी प्रतिज्ञा करते हैं, हम फिर ऐसे कर्म नहीं करेंगे, हमें बाहर निकालो। फिर बाहर आने से सब भूल जाते हैं। तो ये भी ऐसे ही खेल बना हुआ है क्या है?
बच्चे सन्मुख बाप के सामने यहाँ रहते तो खुशी रहती है, याद रहती है, माया का परछाया नहीं पड़ता। बाहर जाते हैं तो भूल जाते हैं। ये भूल और अभूल का खेल है। अभी तुम बच्चे बाप के अडॉप्टेड बच्चे बने हो, शिव बाबा है ना, वो है सभी आत्माओं का बेहद का बाप। देखो बाबा कितनी दूर से आते हैं, परम धाम से। तो जरूर इतनी दूर से आने वाला बाप तुम्हारे लिए सौगात ले आते हैं। तेरी पर बहिष्ट की सौगात लाते हैं, तेरी हथेली को कहा जाता है। आते तो आने मात्र से ही बच्चों के सामने हथेली पर स्वर्ग की सौगात दिखाते हैं। लो, एक हाथ में सौगात दिलाते हैं और दूसरे हाथ से कहते हैं दो। क्या दो? पांच विकारों को दो। इसके लिए देह बांध छोड़ो, अपन को आत्मा समझो और बाप की याद में रखो। तो बाप कहते हैं सेकंड में विश्व की बात सही ले लो। इसके लिए सिर्फ बाप को जानो। पक्का पक्का जानो, ऐसे नहीं अभी अभी जाना और अभी अभी माया का हस्तक्षेप हुआ तो भूल जाओ। ये तो सभी आत्माओं का बाप है ना। कहते हैं मैं तुम्हारा बाप हूं, सभी आत्माओं का बाप है तो ऐसे क्यों कहते हैं मैं तुम्हारा बाप हूं? इसमें क्या अंतर पड़ता है? है पहचानते हैं जो नहीं। तुम्हारा कहा जाता है सन्मुख वालों को, है तो सब आत्माओं का बाप। सभी मनुष्य आत्माओं का बाप है, परंतु सब तो सन्मुख नहीं आते। इसलिए कहते हैं मैं तुम्हारा बाप हूं, मैं जैसे आता हूं वो भी तुमको समझाता हूं। मुझे रथ तो जरूर चाहिए, जैसे और धर्म पिताएं आते हैं तो उनको भी अपना रथ चाहिए। उन धर्म पिताओं का भी अपना अपना रथ है, तो बताओ मेरा कौन सा रथ होगा? धर्म पिताएं वो भी है और धर्म पिता मैं भी हूं। तो एक ही रथ होगा, एक ही जैसा रथ होगा या रथ में अंतर पड़ेगा? क्यों? धर्म पिताएं तो वो भी है।
वो है नंबर वार धर्म पिताएं, नंबर वार धर्मों की स्थापना करने वाले हैं, और ये है अव्वल नंबर का धर्म। इसलिए मुसलमान भी कहते हैं अल्लाह अव्वल दीन। अल्लाह ने आकर के अव्वल नंबर दीन अर्थात धर्म की स्थापना की। तो रथ भी कैसा चाहिए? अव्वल नंबर का रथ चाहिए। कोई महात्मा का तो रथ नहीं ले सकते, क्यों? महात्मा का रथ है, अव्वल नंबर रथ नहीं हो सकता क्या? महात्माएं तो पवित्र होते हैं। वो धर्म पिताएं भी पतित में आते हैं या पावन आत्मा में आते हैं? पावन आत्मा। अच्छा, देवी देवता धर्म की आत्माएं जो कच्ची पढ़ाई पढ़ने वाली है, कम जन्म लेने वाली है, द्वापर में गिरते गिरते जब पतित बन जाती है तो उनमें धर्म पिताएं प्रवेश करते। जैसे इब्राहिम आया द्वापर के आदमी, तो कौन सी आत्मा पहले पहले पतित बनती है उस समय? कौन से धर्म की आत्मा होगी? इस्लाम। जरूर इस्लाम धर्म की आत्मा होगी, क्योंकि इस्लाम धर्म में ही व्यभिचार सबसे ज्यादा पनपता है, और व्यभिचारी बनने से जास्ती पतित बनते हैं, जल्दी पतित बनते हैं। तो इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होने वाला सतयुग का सेकंड नंबर का नारायण, इब्राहिम का आधार बनता है। जो भी देवी देवताएं पतित बनना शुरू होते हैं उनमें अव्वल नंबर कौन हुआ? आदि नारायण। इस्लाम तो वो पहले पहले पतित बन जाएगा द्वापर। बोला पहला देवता से पहला वैश्य, पहला शुद्ध, पहला वैश्य है, वैश्यों में विधिचारी नहीं है, लेकिन इब्राहिम का आधार मूर्त निर्विचारी होता है। वैश्य का मतलब विशेष है, विषय विकारों में जाना अलग बात और व्यभिचार में जाना अलग बात हो जाती है। ज्यादा नीचे गिराने वाला कौन है? व्यभिचार। सिख लोग आज भी कहते हैं एक नारी सदा ब्रह्मचारी। पहला वैश्य वही पहला शुद्ध बनेगा ना? विष से बनता है वैश्य, और विष भी जब व्यभिचारी बन जाता है तो ज्यादा खतरनाक है, उसे व्यभिचारी कहा जाता है। देवी देवता सनातन धर्म की आत्माएं सदैव निर्विष नहीं रहती, उनमें भी जो अव्वल नंबर की आत्माएं हैं, पूरे 84 जन्म लेने वाली, ज्यादा याद की पावर संगम युग में बाप से लेती है, इसलिए अंत तक अंतिम जन्म तक आते आते पवित्र स्टेज में रहती है औरों के मुकाबले। और धर्मों में कन्वर्ट होने वाले उतनी याद नहीं करते, इसलिए उनकी आत्मा
कमजोर रह जाती है। वही कमजोरी द्वापर युग में बाहर आ जाती है और उनमें धर्म पिताएं प्रवेश कर जाती है, अपने प्रभाव में ले लेते हैं। जो देवी देवता सनातन धर्म का मूल थुर है, नीचे से डायरेक्ट ऊपर जाने वाला, उसमें अव्वल नंबर धर्म की आत्माएं रहती है, कन्वर्ट होने वाली नहीं है। धर्म तो परी है पर धर्म न छोड़िए। स्वधर्मे निधनम से पर धर्मो भयावह। गीता के पक्के पाठी है। तो बोला, मैं कौन से रथ में आता हूं? वो भी बताता हूं। जो रथ द्वापर के आदि में कन्वर्ट होने लगते हैं उनमें आता हूं, या कलयुग के अंतिम 84 जन्म में जो रथ कन्वर्ट होते हैं, माया से परास्त होते हैं, पूरी पतित स्टेज में जाते हैं, उनमें आता हूं। कलयुग के अंतिम 84वें जन्म में जो आत्मिक स्थिति को पूरा त्याग देते हैं, देह अभिमानी बन जाते हैं, पतितम कामी कांटे बन जाते हैं, मैं उन रुद्रमाला के मणकों में आता हूं। परंतु उनमें एक है मुकर्रर रथ। तो कौन से रथ में आता हूं वो भी बताया। कोई महात्मा का रथ नहीं लेता हूं। मनुष्य देखो कितने बेसमझ हैं। कैसे भक्ति मार्ग में मनुष्यों को बेसमझ क्यों बताई दिया? क्योंकि सब भक्ति करने वाले मनुष्य समझते हैं कि साधु संत महात्मा जो पवित्र रहने वाले हैं वो ही शिव ओम का सच्चा स्वरूप है। तो बेसमझ हुए या समझदार हुए? भक्ति में मनुष्य कहते हैं कि तुम ब्रह्मा को भगवान, ब्रह्मा को देवता कहते हो। बोलो, अरे हम ब्रह्मा को भगवान या देवता कहां कहते हैं? हम तो कहते हैं ब्रह्मा पतितकंधारी है, उसकी आत्मा पतित है तो पतित चोला मिलता है। उनको चित्र में दिखाओ, देखो इस कल्प वृक्ष के चित्र में ब्रह्मा एकदम अंत में खड़े हैं। जबकि सारा धार जर्जरी भाग जर्जरी भूत तमो प्रधान बन जाता है, ब्रह्मा भी वहां ही खड़ा है। तो बहुत जन्मों के अंत का जन्म हुआ ना, पतित जन्म ही होगा ना। बाबा खुद भी कहते हैं मेरे बहुत जन्मों के अंत में
बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में जब बाण प्रस्तावता हुई तब बाबा आते। बाबा आते तो आकर के क्या करते हैं? है अपना धंधा चला लेंगे या जिस ब्रह्मा के तन में आवेंगे तो उसका जो पहले वाला धंधा लौकिक धंधा है इतना ही फर्टाइल धंधा क्यों ना हो उसको चालू रखेंगे। बाबा आवेंगे तो अपना काम करावेंगे। साठ वर्ष के बाद मनुष्य भक्ति करते हैं भगवान से मिलने के लिए। कहाँ की याद जा रहे हैं? संगम युग में ब्रह्मा को ही फॉलो किया है। पूरी वाण प्रस्तावस्था बताते हैं। फिर कहते हैं कि 60 वर्ष के बाद इनकी आयु बढ़ती जाती है। बढ़ती जाती है का मतलब क्या हुआ? अगर ज्ञान में ना आए होते तो वानप्रस्थावस्था के आसपास 60 वर्ष के 2-4 वर्ष के अंदर ही उनका शरीर छूट जाता। परंतु ज्ञान में आने से भगवान की याद करने से योग बल से उस तन की आयु बढ़ जाती है। शास्त्रों में भला आयु लिख दी है कितनी? ब्रह्मा की आयु 100 साल परंतु बाबा शास्त्रों को मानते नहीं है। क्यों नहीं मानते हैं? क्योंकि शास्त्र जितने भी हैं वो सब मनुष्यों के लिखे हुए हैं। शास्त्र लिखे ही गए हैं शासन करने का विधान बनाने के लिए, परंतु वो शासन अनुशासनहीन बनाता है। शास्त्रों को पढ़ते पढ़ते दुनिया नीचे गिरती गई, इसलिए बाप शास्त्रों को नहीं मानते हैं। शास्त्रों में भी अंदाजा बताया जाता है कि ब्रह्मा की आयु 100 साल, ज्योतिषी लोग ब्रह्मा की हथेली को देख करके भी बताते थे कि इनकी आयु 70 वर्ष की है। कब शरीर छोड़ा? और 100 साल की आयु कब हुई? है 88-89 में 100 साल की आयु पूरी हुई। इसका मतलब उन्होंने 100 साल पूरे नहीं किए। इसलिए यहाँ 20 शब्द लगा दिया, माना ज्योतिषी भी कहते थे इनकी आयु 70 साल है।
सुस्ती नहीं मैं शरीर छोड़ा तू कितने वर्ष आई हुई है 47 में 60 वर्ष की आयु हो तो 69 में कितने वर्ष की आयु हुई 80 तो बोला अगर आयु बढ़े तो बहुत बढ़ जाएगी उन पर तो विश्वास भी नहीं कर सकते इन पर उन ज्योतिषियों पर भक्ति मार्ग वालों पर तुम विश्वास नहीं रखते हो ये कोई कोई है जो अभी भी ज्योतिषियों को हाथ दिखाते रहते हैं उनकी बातों को मानते रहते हैं अगर ऐसा है तो कहेंगे इनको भगवान नहीं मिला है भगवान तो भाग्य को बदल सकते हैं मनुष्य कोई किसी के भाग्य को नहीं बदल सकते भक्ति मार्ग वालों की बात सुनने के लिए तुम कान बंद कर लो बाप ने कहा है ये है ज्ञान भक्ति का है अज्ञान अभी तो भक्ति का नाम भी नहीं सुनना है परंतु अगर ऐसे तुम कान बंद करो वह लोग अपनी इंसल्ट समझेंगे इसलिए तुम दिखाने के लिए कान बंद नहीं करते हो क्या करते हो एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल लेते हो माना उनकी बातों पर विश्वास नहीं करते हो क्योंकि जानते हो योग बल से भाग्य की रेखाओं को बदलने वाला बाप अभी हमको मिला है बाप कहते हैं उम्र सभी की है मनुष्य मत वो ज्योतिष के शास्त्र लिखने वाले भी मनुष्य हैं मनुष्यों से भूलें होती रहती है भगवान से कब भूल नहीं होती है और देवताएं तो लिखते ही नहीं क्या शास्त्र न लिखते न पढ़ते न सुनते और न सुनाते वहां सतयुग में शास्त्र होते ही नहीं क्यों नहीं होते हैं अरे वहां शासन करने की दरकार ही नहीं शासन करने के लिए विधान शास्त्र बनाया जाता है वहां सब अनुशासन में रहने वाले होते हैं ये अनुशासनहीन होते हैं देवताएं तो अनुशासित होते हैं उनकी सच्ची स्वतंत्रता है स्व के तंत्र में रहने वाले हैं स्व माने आत्मा का तंत्र है शास्त्रों में कर्मकांड का सभी लिखा हुआ है
वहां सतयुग में ये बात नहीं होती है। भक्ति मार्ग में कर्म कांड होते हैं और ये जितने भी कर्म कांड हैं, चाहे हिंदुओं के हो, मुसलमानों के हो, क्रिश्चियंस के हो, वो सब कहां की यादगार है? संगम युग की यादगार है। वो सब अंधश्रद्धा सिखलाते हैं। अभी तुम देखते हो कि बाबा हमको ज्ञान देते हैं, भक्ति मार्ग में तो हमने बहुत ही शास्त्र पढ़े, कोई पूछे तुम वेद शास्त्र आदि को नहीं मानते हो, बोलो कि जो भी दुनिया में मनुष्य मात्र हैं, कोई भी धर्म के हो, उन सबसे जास्ती शास्त्रों को हम जानते हैं। शुरू से लेकर के अब व्यभिचारी भक्ति हमने शुरू की है। तो शास्त्र का, शास्त्रों की जानकारी भी हमको है। हमने पक्का पक्का जाना है कि 2500 वर्ष से शास्त्र सुनते सुनते भारतवासी कितने नीचे गिरते चले आए, मेंटलिटी एकदम नीचे गिर गई। अभी तो हमको भगवान का ज्ञान मिला है। जैसे और धर्म पिताएं आते हैं तो वो कोई शास्त्र लिखते नहीं है या शास्त्र पढ़कर के नहीं सुनाते हैं, ओरली सुनाते हैं। ऐसे ही अव्वल नंबर दीन अर्थात धर्म की स्थापना करने वाला अल्लाह जब इस दुनिया में आता है तो गीता शास्त्र लिखता नहीं है, सब शास्त्र शिरोमणि गीता पढ़कर के नहीं सुनाता है, वो तो डायरेक्ट ओरली सुनाता है। वो भगवान बाप अभी हमको डायरेक्ट मिला हुआ है, उनके ज्ञान से सदगति होती है। सत्य ज्ञान से ही सदगति होती है, झूठे ज्ञान से सदगति नहीं हो सकती। सत्य एक परमात्मा है, कोई मनुष्य मात्र सत्य नहीं हो सकता। सब जन्म मरण के चक्र में आने वाले हैं, इसलिए अपने जन्मों का और सत्य के आदिमति अंत का कोई को पता नहीं है। जब पता ही नहीं है तो झूठा सुना लेंगे या सच्चा सुना लेंगे? झूठा ही सुनाते हैं। भगवान बाप तो जन्म मरण के चक्र से ही न्यारा है, इसलिए वो तो सब सत्य ही सुनाता है। तो जब हमको भगवान बाप मिला है, जिसे एक बाप से ही ज्ञान आता है, तो फिर अनेकों की भक्ति हम क्यों करें? अनेक गुरुओं ने शास्त्र बनाए हैं, भक्ति के कर्मकांड चलाए हैं, भक्ति रावण के अनेक मुखों से आती है और ज्ञान तो एक बाप से आता है, एक ही सच्चा है,
कहते भी है सच्चा सदगुरु शिव भगवान। सिख लोग कहते एक सदगुरु निराकार अकाल मूर्त। तो जब एक ही सच्चा सदगुरु है तो बाकी गुरु क्या हो गए? झूठे हो गए। इसलिए कल तक हम भक्ति करते थे, आज हमें भगवान बाप मिल गया इसलिए हमने भक्ति छोड़ दी। अभी हम शूद्र से ब्राह्मण बन गए हैं। ब्राह्मणों का कर्म ही होता है ज्ञान सुनना और ज्ञान सुनाना, ज्ञान को जीवन में धारण करना और दूसरों को धारण कराना। कल तक हम वेद शास्त्र आदि पढ़ते थे, मंदिर में जाते थे, मूर्तियों की पूजा करते थे। वो जड़ मूर्तियां थी। आज हमने पहचाना है कि जो जड़ मूर्तियां मंदिर में रखी हुई है उन जड़ मूर्तियों का चैतन्य पाठ बजाने वाली आत्माएं कौन है और भगवान बाप चैतन्य में कौन है। इसलिए आज हमने मंदिर में जाना छोड़ दिया। तो बाप कितनी सहज बातें बतलाते हैं। सच्चा मिल जाए तो झूठे को कौन फॉलो करेगा। अभी बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चे अपन को आत्मा निश्चय करो, पक्का करो मैं आत्मा हूं। वो गुरु लोग तो कह देते हैं अल्लाहु अकबर शिवोऽहम् ब्रह्मास्मि। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि हरेक मनुष्य मात्र अल्लाह हो जाए। अल्लाह हमारे ऊंचे ते ऊंचा ब्रह्मा बन जाए, शिव बन जाए। तो देखो तुमको तो शिक्षा मिलती है भगवान बाप से कि तुम तो एक आत्मा हो। आत्मा अनेक होती है और परमात्मा बाप एक होता है। जो भी आते हैं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर द्वापर युग से सभी बैठ कहते हैं अल्लाह। जैसे छोटे बच्चों का खेल होता है, बच्चे से पूछा जाए तुम्हारा बाप कौन तो बतावेगा ये, उससे पूछा जाए फिर उसका बाप कौन तो मालूम होगा तो वो भी बताएगा वो, फिर पूछा जाए उसका बाप कौन तो कहेंगे मैं। बाईस जुलाई सनार्थक की वाणी का चौथा पेज। ऐसे अल्लाह हूं कहने वालों के पास बड़े बड़े लेखापति करोड़पति भी उनों के पास जाते हैं। यहां तो तुमको बाप कहते हैं, तुम बोलो मैं तो आत्मा हूं, मैं परमात्मा नहीं हूं। ढेर के ढेर परमात्मा नहीं हो सकते,
मैं बाप का बच्चा हूँ परंतु यह आत्मा की बात ही तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो कि मैं स्टार ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। माया तुमको भुलाई देती है। ये अभिमानी बनने से फिर कुछ न कुछ उल्टा हो जाता है। इसलिए बाप कहते हैं कि अभी टाइम वेस्ट मत करो, भूलो मत। तुम आत्मा को बाप ने अडॉप्ट किया है, कहते हैं तुम हमारे बच्चे बने हो। जो हमारे बच्चे हैं वो इसी जन्म में स्वर्ग के मालिक बनने वाले हैं। ये परमधाम में बैठ जाएंगे। ऐसे बाप को भूल जाना ये तो बेकायदे बाप, परंतु माया बड़ी जबरदस्त। तुम मुझे सर्वशक्तिमान कहते हो परंतु माया भी कोई कम शक्तिवान नहीं है। सभी आत्माओं को तमो प्रधान बनाए देती है कि कोई आत्मा रह जाती है, है? अष्टदेव रह जाते हैं, वो भी नहीं रह जाती। रामानुसार सबको तमो प्रधान बनना ही है। तुम जब सतो तमो प्रधान बनते हो तो सब बनते हैं। तुम सतो प्रधान बनते हो तो सब बनते हैं। तो देखो तुम्हारे पीछे सारा मदार है। सभी आत्माएं पहले पहले शांति धाम जाएंगी। ये बाप कहते हैं कि शांति राम और सुखराम को याद करो। उसके लिए क्या करो? इस दुखदाम को भूलते जाओ। अंदर में ये घड़ी घड़ी आना चाहिए कि हम सुखदाम जाते हैं वाया शांति धाम। फिर ये दुखदाम होगा ही नहीं। गीता में भी कहा है ना, जहां सूरज चांद सितारों का प्रकाश नहीं पहुंचता वो मेरा परम धाम है। जहां जाकर के आत्माएं फिर इस दुखदाम में वापस नहीं आती है। ये बच्चों की बुद्धि में पक्का पक्का याद रहना चाहिए। गायन भी है संग तारे कुसंग बोरे, परंतु तुमको तो एक का ही संग तारता है। अनेकों की याद आने से माया डुबोए देती है। कुसंग हुई भक्ति। और सत्संग हुआ ज्ञान। वो तो ऐसे ही कहते हैं कि हम सत्संग में जाते हैं, परंतु भक्ति मार्ग में सत्य बाप आता ही नहीं है। तो सत्संग कहां से हुआ? भक्ति का संग बोले। ये भक्ति के गुरु लोग झूठ बोलते हैं। पहले पहले जो ऋषि मुनि आदि थे वो फिर भी सच बोलते थे। क्या बोलते थे? नेति नेति, हम आदि मध्यंत को नहीं जानते।
सच बोलते थे कि हम ईश्वर और उसकी रचना को नहीं जानते। वो ऋषि मुनि सन्यासी भी अभी पुनर्जन्म लेते लेते पतित बन पड़े हैं, वो भी झूठ बोलने लग पड़े। तब कहते हैं भगवान युगे युगे आता है, शास्त्र में क्या लिख दिया, संभवामी युगे युगे। अभी बाप समझाते हैं कि मैं हर युग के अंत में नहीं आता हूं, परंतु जब मैं आता हूं तो सारे चतुर्युगी की, सारे ड्रामा की, ड्रामा के जो चार सीन है बेहद के, उन चार सीन्स की शूटिंग के अंत में आता हूं। बाकी हरियुग के अंत में आने की मुझे क्या दरकार है। सतयुग के अंत में आऊं, राम का राज्य स्थापन करूं, ऐसे तो हो नहीं सकता। कोई भी बाप मकान बच्चों के लिए तब तोड़ता है जब मकान पूरा पुराना हो जाता है। तो ये सच रूपी मकान भी कलयुग के अंत में पूरा पुराना हो जाता है। कोई भी आत्मा रूपी बच्चा ये नहीं महसूस करता कि हम तन से, मन से, धन से, संपत्तियों से, संबंधियों से सदैव सुखी है, सब अपने को दुखी महसूस करते हैं। तब मैं आता हूं। तो कह देते हैं भगवान 10 अवतार लेते हैं, भगवान 24 अवतार लेते हैं। अरे जब कहते हो युग के अंत में आते हैं तो 4 अवतार हुए ना, ये 24 अवतार क्यों लगाए दिए? जो सच्चा होता है वो एक ही बात सच्ची बोलता है, और झूठा एक झूठ के पीछे दूसरा, दूसरे के पीछे तीसरा झूठ बोलता जाता है। कच्छ मच्छ में भी भगवान को ले गए हैं। अब मैं कच्छ मच्छ को समझाने ज्ञान आऊंगा कि ज्ञान मनुष्यों को समझाऊंगा? हाँ, ये कह सकते हैं कि मनुष्य आत्माओं में भी कोई ऐसी आत्माएं होती है दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाली, जो भगवान आकर के ज्ञान सुनाते हैं तो भी भगवान के ज्ञान को पूरा उठाते नहीं है। भगवान कहते हैं ज्ञान सुनने के लिए कन्याओं माताओं का आधार लो, ज्ञान है ज्ञान जल, ज्ञान जल तभी धारण होगा जब धरणी माता का आधार लेंगे। धरणी माता में धारणा होती है ज्ञान के तंत्र प्योरिटी की, परंतु जानवर बुद्धि ऐसे है कि अपने ही चलाते हैं। धरणी माता को महत्व नहीं देते हैं, भगवान के आने पर भी कन्याओं माताओं को अपनी मुट्ठी में करना चाहते हैं। ऐसों को फिर कहा जाता है शास्त्रों में कच्छ मच्छ अवतार, जानवरियत का अवतार। इसलिए बोला है मनुष्य अवतार सिर्फ दो हैं, राम और कृष्ण।
जो कन्याओं माताओं रूपी धरणी को आदर की दृष्टि से देखते हैं, बाकी तो है जो भगवान बनकर के बैठ जाते हैं, अपने ही मत चलाते हैं, वो है कच्छ मच्छ अवतार। इसलिए मुरली में बोला है कच्छ मच्छ अवतार पानी का आधार लेते हैं, जल का आधार लेते हैं, और रामकृष्ण मानवीय अवतार धरणी का आधार लेते हैं। जो जानवरियत के अवतार बताए गए हैं वो ज्ञान के गरूर में रहते हैं, ज्ञान के अहंकार में रहते हैं, सिर्फ ज्ञान जल का आधार लेकर चलेंगे। ये नहीं समझते कि ज्ञान भी कन्याओं माताओं के मुख से सुनना सुनाना अच्छा होता है। तो ये शास्त्रों में जो कच्छ मच्छ अवतार गाए हुए हैं, ये भी कहां की यादगार हुई? ये भी संगम युग की यादगार है। कितने तमो प्रधान बन गए हैं। फिर कह देते हैं सर्वव्यापी है। वो भी करके कहे मनुष्य में है तो भी ठीक, मनुष्य फिर भी मन बुद्धि की शक्ति से एक बाप की याद को बुद्धि में समाय सकता है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानवर तो वो भी नहीं कर सकते। तो ये देखो इतने तमो प्रधान बने हैं जो कह देते हैं ठिक्कर भित्तर में। अब अर्थ भी नहीं समझते कि भक्ति मार्ग में ठिक्कर भित्तर क्यों कह दिया। भगवान बाप जब आते हैं तो ज्ञान लेने वाले नंबरवार ब्राह्मण मनुष्यों में से ही कोई कोई ऐसे हैं जो मिट्टी की ढेले की तरह है, माया की एक ही ठोकर से टूट जाते हैं, उनको कहते हैं ठिक्कर बुद्धि। उनको भी उनके फॉलोअर्स भगवान समझ करके मानने लग पड़ते हैं। कोई कोई ऐसे होते हैं जो ज्ञान के मार्ग में भगवान के बताए हुए रास्ते में दीवार बनकर के खड़े हो जाते हैं, व्यवधान खड़ा कर देते हैं, न ईश्वरीय ज्ञान सुनेंगे और न ईश्वर का ज्ञान दूसरों को सुनने देंगे। ऐसे भी ब्राह्मणों की दुनिया में होते हैं और उनकी तादाद ढेरों की ढेरों होती है। कहते हैं सभी में परमात्मा है। बाप आकर के समझाते हैं कि ऐसी बाप की ग्लानी करने के कारण कितना दुख भोग रहा है। दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं, वहां दास दासी का जीवन बिताना पड़ता है। सत्ययुग में तुम देखो कितने धनवान थे, तुम्हारे पास अतिचार धन था, तुम्हारे धन से वो दूसरे धर्म के लोग चाहे क्रिश्चियन हो चाहे मुसलमान हो, तुम भारतवासियों के धन से वो कितना धनवान बने हैं।
वो है उनका स्थूल धन और यहां संगम युग में तुम्हारे पास होता है ज्ञान धन। जिस ज्ञान धन को ईश्वरीय ज्ञान धन को असली में तुम धारण करते हो वो तो ठिक कर भीतर कच्छ मच्छा अवतार बन करके विघ्न ही पैदा करते हैं। बाद में तुम्हारे निश्चय बुद्धि होने के कारण जब बाप की प्रत्यक्षता होती है तो फिर तुम्हारे से लेकर के धनवान बनते हैं। अभी भी देखो बाहर की दुनिया में देखने में आता है अभी भी अमेरिका से कितने आते रहते हैं। तो ये युक्ति रची हुई है कितनी ठगी है। इस दुनिया में तो सभी तरफ घोर अंधेरा ही अंधेरा है। ठगी ही ठगी है। ऐसे टाइम पर बाप आकर के सच खंड स्थापन करते हैं। जब सच खंड स्थापन होता है तो झूठ खंड का विनाश हो जाता है। जितना जितना सच्चे संगठन की स्थापना होती जाएगी उतना उतना झूठी दुनिया का विनाश होता जाएगा। बाप कहते हैं ये सारी पुरानी दुनिया इस रुद्र की आने की मैं स्वाहा हो जाएगी। इसको कहा जाता है बेहद का ईश्वरीय यज्ञ। ये रुद्र ज्ञानी यज्ञ है शिव यज्ञ ब्रह्मा यज्ञ विष्णु यज्ञ ऐसे नहीं कहा जाता। जगदम्बा यज्ञ क्या कहा जाता है रुद्र ज्ञानी यज्ञ है जिस यज्ञ में सब स्वाहा हो जाने के। ये बेहद का बड़े से बड़ा यज्ञ है। सब स्वाहा हो जाने के बाद बाकी थोड़े बचेंगे। बाप आए ही एक धर्म की स्थापना करने। जब वो एक धर्म की स्थापना हो जाएगी तो बाकी सभी का विनाश हो जाएगा। अभी तुम जानते हो हम इसके लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। जितना कल्प कल्प हमने पुरुषार्थ किया है उतना ही अभी भी तुम्हारा पुरुषार्थ होगा। बाकी दैवी धर्म की स्थापना बाप ही करते हैं। तुम तो सहयोगी हो। तुम ब्राह्मण से देवता बनते हो। ब्राह्मणों का झाड़ बहुत छोटा है और छोटा झाड़ बहुत नाजुक होता है। बड़ा झाड़ हो जाता है तो उसको तूफान का असर ज्यादा होता है या छोटे झाड़ को होता है पौधे को छोटे को ज्यादा असर होता है। माया का तूफान लगने से ही गिर पड़ता है। बच्चे लिखते हैं बाबा हम गिर गए। बाप कहते हैं तुमको मैं गोरा बनाने आया हूं तुम फिर बार बार काला मुंह कर देते हो। इसमें क्षमा आदि की बात नहीं है। एक बार या दो बार या कितनी भी बार रंग लग गया तो फिर कर ही क्या सकते हैं। शूटिंग पीरियड में स्पॉट लग गया। बाप कहेंगे अच्छा फिर से पुरुषार्थ करो अभी तौबा करो कोई भूल नहीं करना आगे से भी तीखा पुरुषार्थ करके दिखाओ। ये भी बच्चों को समझाया है
मंदिरों में राम को नारायण को कृष्ण को काला क्यों दिखाया हुआ है? तुम कोई से पूछेंगे कि इनका काला मुंह मूर्तियों को क्यों कर दिया है, तो कहेंगे ये कल की छोकरियां छोकरे हमसे पूछने आए हैं। तो तुम समझते हो इन भक्तों को नहीं मालूम है कि इनका काला मुंह क्यों हो गया? इनकी बुद्धि में भी नहीं आ सकता कि मंदिरों में नारायण का काला चित्र क्यों रखा हुआ है। नारायण तो गोरा ही होगा या काला होगा, फिर काली मूर्ति क्यों रखी हुई है? पुरुषार्थी जीवन में मनुष्य है, देवता नहीं है, और मनुष्य से बार बार भूल होती है। परंतु कोई मनुष्य ऐसे होते हैं जो पक्के दृढ़ निश्चयी होते हैं। जैसे साइकिल सीखने वाला सवार अंदर से पक्का किए बैठा है कि मुझे साइकिल सीखना ही सीखना है, तो बीसियों बार नीचे गिरेगा और फट से साइकिल पर सवार हो जाएगा, हार नहीं मानता। तो उसे हारा हुआ कहेंगे? कहेंगे नहीं कहेंगे? जानते हैं हमको गोरा बनना ही बनना है। तो देखो, देवताओं को देवता कहा जाता है, फिर उनको काला क्यों दिखाया गया? पुरुषार्थी जीवन में देने वाले देवता हैं, या चालाकी की है? चालाकी की है, देने वाले देवता नहीं है, लेवता है। लेवता बार बार बन जाते हैं, इस बात के लेवता, विकारों के सुख के लेवता बन जाते हैं। इसमें स्त्री पुरुष के तन की बात नहीं है, स्त्री चोला हो चाहे पुरुष चोला हो, दोनों के अंदर बीत बीत चलती है, तो लेवता बन जाते हैं। ये राज तुम बच्चों को बाप बताते हैं। ये राज की बात और कोई जानते भी नहीं। देखो, मंदिरों में शिव को भी काला कर दिया है, कहीं कहीं सफेद संगमरमर का बनाते हैं, नहीं तो मोस्टली काला ही दिखाया है। अच्छा, फिर भी बाप कहते हैं बच्चे अभी भूलो मत, अपन को आत्म समझो, पहले पहले ये अभ्यास पक्का करो, मैं आत्मा। बाप को याद करने से विकल्प विनाश होते जाएंगे। इसको कहा जाता है सहज याद। बेहद के बाप ने तुमको एडाप्ट किया है, तुम एडाप्टेड बच्चे हो, तो उस बाप को ही याद करना पड़े। इस बाप को नहीं, जिस बाप ने तुमको एडाप्ट किया है, स्वीकार किया है कि तुम मेरे बच्चे हो। बाकी खून से लिख के तुमने दे दिया, स्टाम्प पेपर पर लिखकर तुमने दे दिया, वो बात अलग, लेकिन बाप
sabihin sa bat ko, ano ba ka rin pagkapagka? Yeah. Itong? May matil. Today, we will talk karna hai. Aise bahut bache hain jo ghar mein gaaliyan dete rehte. Baap kehte hain bache bahut pyar se chal rahe hain. प्यार से बोल रहे हैं. बाबा के पास तो सब रिपोर्ट आती रहती है. कहती है बाबा फलाने बहुत क्रोध करते हैं. घर में आता है शाम को तो दम चक्कर मचाए देता है. तो बाप समझाते हैं बहुत बहुत मीठा बनना है. कभी भी कड़वा बोल नहीं निकालना है. तुम तो कहते हो कि हम शिव बाबा को बाकी पहने. अभी ये बाबा कैसे शिव बाबा को बाकी पहनेगा है? कौन बाबा है? ब्रह्मा बाबा. ये तो साथ में इकट्ठा है फिर भी देखो भूल जाते. अगर न भूले तो कर्मातीत अवस्था हो जाए. अच्छा बच्चों को गुड मॉर्निंग.